महाराष्ट्र की जो सियासत है उसमें कोर्ट पहुंचने का दिन था, दो अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। इन दोनों अर्जियों की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी, जिसके बाद ये तय हुआ कि बागी विधायकों की सदस्यता 11 जुलाई तक रद्द नहीं की जा सकती, यानी 11 जुलाई तक जैसी स्थिति थी वैसी बनी रहेगी। विधायकों की सदस्यता डिप्टी स्पीकर के नोटिस के बाद भी 11 जुलाई तक सुरक्षित है। इसके अलावा कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर से बागी विधायकों को भेजे गए नोटिस पर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने उद्धव सरकार और पुलिस से 5 दिन के अंदर इस मामले में शिंदे गुट के उठाए सवालों पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस से बागी विधायकों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी, लेकिन इसको एक तरह से उद्धव गुट के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की नोटिस पर आज शाम 5 बजे तक बागियों को जवाब दाखिल करना था। ऐसा न होता तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती थी, लेकिन अब शिंदे गुट को इस मामले में राहत मिल गई है। कोर्ट में दोनों ही पक्षों ने अपनी ओर से मजबूत तर्क दिए। कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, किस तरह के तर्क रखे गए, क्या बहस हुई, विस्तार से देखिए। एक पक्ष की राहत दूसरे पक्ष की मुसीबत, यही महाराष्ट्र की राजनीति में भी हुआ। शिंदे गुट के बागी विधायकों को राहत मिली तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर उद्धव सरकार और पुलिस को इस मामले को लेकर नोटिस भेजा गया। हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा एक्सटेंड कर दिया गया है। कोर्ट में कल ही शिंदे गुट की ओर से जल्दी सुनवाई की अपील की गई थी, जिस पर आज दोपहर 1:30 बजे सुनवाई हुई। शिंदे गुट की ओर से वकील नीरज किशन कौल ने पक्ष रखा और डिप्टी स्पीकर के कदम की आलोचना करते हुए इसे संवैधानिक प्रक्रिया के प्रतिकूल बताया। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर कौल ने कोर्ट से कहा कि बागी विधायकों के परिवार पर हमले हो रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं कि 40 लाशें लौट कर आएंगी, बागी विधायकों को धमकियां मिल रही हैं, इसलिए मुंबई जाकर हाई कोर्ट में सुनवाई करना मुश्किल है। कोर्ट ने इस केस में सुनवाई के लिए 2 तथ्यों पर ध्यान दिया। पहला ये कि बागी विधायकों की आजादी और जीवन पर खतरा है। दूसरा, डिप्टी स्पीकर की ओर से मिले नोटिस का जवाब देने के लिए बहुत कम समय दिया गया था। इस पर कॉल ने अरुणाचल प्रदेश के एक केस का उदाहरण देते हुए कहा कि स्पीकर कम समय देकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोर्ट में इसके बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष को पेश किया गया। दावा किया गया कि वो सदस्यता रद्द करने का फैसला नहीं ले सकते क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आज सुनवाई में किसी को रिलीफ तो मेरे ख्याल से नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि 11 तारीख तक वो रिप्लाई डिप्टी स्पीकर को दे सकते हैं। लेकिन जहां तक काउंटर एलिगेशंस थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से और 12 विधायकों की तरफ से, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो डिप्टी स्पीकर है और शिवसेना के जो प्रतोद है उनको हलफनामा कोर्ट में दर्ज करने के लिए कहा, और इसकी पूरी सुनवाई 12 तारीख को होगी। एकनाथ शिंदे और 15 विधायकों की ओर से पेश हुए वकील किशन कौल की दलीलों के बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और डिप्टी स्पीकर की ओर से राजीव धवन ने दलील दी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि दूसरे पक्ष को इस मामले में पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था, क्योंकि केस मीडिया में छाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में आए, न्यायालय की व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। सिंघवी ने कोर्ट से ये भी कहा कि देश में ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें नोटिस की प्रक्रिया के दौरान केस कोर्ट में आ गया हो, स्पीकर के फैसले के बाद ही कोर्ट में केस आ सकता है। सदन की कार्रवाई में कोर्ट का दखल सीमित है, स्पीकर का नोटिस देना और जवाब के लिए कितना समय देना है ये सदन की कार्यवाही का हिस्सा है। कोर्ट ने इस पर कहा कि क्या हम सदन की कार्रवाई से संबंधित सुनवाई कर रहे हैं, इस केस में हालात बिल्कुल अलग हैं। खुद डिप्टी स्पीकर का अपने पद पर रहकर काम जारी रखना ही चुनौती के अधीन है। ऐसे स्पीकर जिनके खिलाफ खुद ही अविश्वास प्रस्ताव आया हो वो सदस्यता के नोटिस पर फैसला कैसे ले सकते हैं, स्पीकर अपने ही केस में जज कैसे हो सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया।
डिप्टी स्पीकर के पक्ष को ठीक से समझने के लिए मामले से जुड़ी ज्यादा जानकारियां जुटाने के लिए कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया। कोर्ट ने इस मामले में विधायकों को भेजे गए नोटिस और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वाले नोटिस को खारिज कर दिए जाने के मामले को समझने के लिए 11 जुलाई तक सुनवाई टाल दी और डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र सरकार और पुलिस को नोटिस जारी करके उनसे जानकारी मांगी। दिल्ली से संजय शर्मा, आज तक।